हाय फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीठी समय की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और इसे ज़रदा समय भी कहते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बिना दूध और बिना मावे का आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने थोड़े से लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद मैंने लिया है महीन समय, और इस समय को मैं हाथों से इस तरह से तोड़ लूँगी और इसे थोड़ा सा चूर कर लूँगी, ताकि फ्राई करते समय ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये थोड़े से लंबे लंबे साइज़ में रहता है, इसे तोड़ना ज़रूरी है, तो इस तरह से मैंने इसे चूर कर लिया है हाथों से ही, ये देखिए। और ये बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी बन करके तैयार होगी इसकी, तो मेरी वीडियो को आप देखते रहें। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला है घी 3 चम्मच, और सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल करके फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इस रेसिपी को बनाने में। और ड्राई फ्रूट्स देखिए फ्राई भी हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसी घी में सेवइयों को डाल करके फ्राई कर लूँगी, तो इसे थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करना है, और धीमी आँच पर इसे अच्छे से फ्राई करते रहें। 2 से 3 मिनट लगेगा सेवइयों को फ्राई होने में, और सेवइयाँ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, और जब ये फ्राई होंगी तभी इसका जर्दा बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये कच्ची रहेंगी या फिर ज़्यादा फ्राई कर दूंगी तो इसकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, तो इसे गोल्डन ब्राउन ही फ्राई करना है। तो देखिए सेवइयाँ फ्राई हो चुकी हैं, उसे मैंने निकाल लिया है। फिर से कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच घी, और उसके बाद मैंने डाला है 2 पीस इलायची, और 1 बड़े कप से मैंने इसमें डाला है पानी। 100 ग्राम मैंने सेवई लिया है, तो 1 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और चीनी मैंने इसमें डाला है अपने हिसाब से, जितना मुझे मीठा पसंद है। आप चाहे तो चीनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा पसंद हो आप उतना चीनी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 तेज़पत्ता, और 5 से 6 मिनट मैंने चीनी और पानी को अच्छे से पका लिया है हाई फ्लेम पर। अब मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया है, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है सेवइयों को, फ्राई की भी सेवई मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे मिक्स कर लूँगी और इसे ड्राई होने तक पका लूँगी। और इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में सेवइयाँ जो है वो पककर तैयार हो जाती हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को, और 2 से 3 मिनट इसे पकने में टाइम लगा, और ये देखिए सारा पानी ड्राई हो चुका है, और बेहतरीन सी मीठी सेवई बन करके तैयार हो चुकी है। तो बिना दूध और बिना मावे के आप इस तरह से भी मीठी सेवई बना करके तैयार कर सकती हैं। तो ये देखिए बन करके तैयार हो चुकी है बिना दूध और बिना मावे वाली मीठी सेवई की रेसिपी। घर पे अगर गेस्ट आ जाए तो आप इस तरह से भी मीठी सेवई बना करके सर्व कर सकती हैं, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार की होती है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।